रानीवाड़ा के पूर्व विधायक एवं पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी को हाल ही में राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद में आज रानीवाड़ा पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत सत्कार किया जा रहा है। देवासी जी, राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष थे और आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, क्या कहूंगे? मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए, खुशी तो होती है क्योंकि आप एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में तैयार हुए, काम करना शुरू किया, एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष मैं रहा, उसके बाद एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव, प्रवक्ता, उसके बाद में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष। तो जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, समाज सेवा में अपना काम करता है, तो निरंतर वो काम करते करते जब प्रगति भी होती है और वो उस काम के अनुसार समय के हिसाब से वो चलता रहता है, तो निश्चित तौर पे सबको खुशी तो होगी, किसी को भी होगी, मेरे को तो है ही, सभी लोगों को। पिछली आप पायलट टीम में प्रदेश सचिव थे और साथ साथ में प्रवक्ता भी थे, अब आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, आपको आपके जो काम था उसको कांग्रेस पार्टी ने आपको कह सकते हैं इनाम दिया है? देखिए, मैं हमेशा संगठन का मैंने बहुत काम किया, प्रदेश में किया और प्रदेश के बाहर जब भी हमारे आला कमान ने विभिन्न जगह चुनाव में संगठन के काम से या कैंप के अंदर कहीं भी भेजा तो हम लोग गए और हमने उसमें भाग लिया है, और हमेशा हम लोगों ने संगठन को जो है मजबूत करने के लिए, संगठन में काम करने का अच्छा विषय रहा है हमारा कि हम अच्छी तरह से काम करें, तब जाके तो इतना काम करने का मौका मिला और इतना अनुभव प्राप्त हुआ। आप काम कर रहे हो तो ये तो अनुभव की बात होती है कि इतने पदों पर रहते हैं और काम करते हैं रेगुलर, तो सभी लोगों के साथ, यूथ कांग्रेस में हूँ या एनएसयू में हूँ, जो मजबूत नेता आज प्रदेश में है उनकी टीम में मुझे काम करने का मौका मिला, प्रदेश कांग्रेस में भी जो हमारे मजबूत नेता रहे, सारे प्रदेश कांग्रेस की जो भी टीमों में मैं रहा उनमें भी उनके साथ में काम करने का अच्छा मौका मिला, तो ये तो अच्छी बात है, इससे मन को सुकून भी मिलता है खुशी के अलावा। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद में आज आपका जो संबोधन था वो थोड़ा सा हटके था, आज आपका मूवमेंट मतलब अलग तरीके से था, क्या कहूँगे? हमेशा मैंने मन से बात की है, आत्मा से हमने बात की है, और जो बोल रहे हैं और जो सोच रहे हैं या मन में है उसमें फर्क नहीं रखा है कभी, इसीलिए 20-20, 25-25 साल से दो दो तीन तीन पीढ़ी हो गई है घर में, पर आज भी वो कार्यकर्ता, वो लोग मेरे साथ में, पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उसका कारण ही ये हुआ कि कथनी करनी में, बोलने में कोई कभी फर्क नहीं रखा, मन से हमने बात की और जो बात है, जो सही बात है वो तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि जब सब लोग मेहनत कर रहे हैं, एक छोटे गांव के अंदर छोटे घर में भी व्यक्ति बैठा है वो भी मेहनत करता है और अच्छा सोचता है, सकारात्मक काम करता है, और हम अगर उनके कामों को डिस्टर्ब होने देंगे, उनका काम जो है उनको नुकसान करे कोई भी, या फिर जो हमने इतने साल में हम सब कुनबे में मजबूत रहे और उसमें कोई करीब कोई तकलीफ देने की कोशिश करे, तो ये सारी बातें होती है जो करना बहुत जरूरी है, तो वो तो बात करेंगे, आगे भी करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपका जो आज संबोधन था उससे लग रहा है आपका मूवमेंट थोड़ा अलग तरीके से था, तो जयपुर से हरी मिल गई है? नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता को हरी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को हरी झंडी है कि दिन रात 24 घंटे अपने पार्टी को देवे और अच्छी तरह से काम करे। हम लोगों को भी हरी झंडी है कि मन लगा के काम करना है, मजबूती से काम करना है, संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है, सरकार को रिपीट करनी है, पार्टी को मजबूत करना है, ये तो निरंतर रोज का काम है, तो वो तो चलता रहेगा। तो मैंने वही तो बोला है, जो 24 घंटे काम करेगा, जो हार जीत जो होती रहती है उसको बिना दिमाग में लगाए घर बैठे और एक कोई घर नहीं बैठे और काम करे, तो ये तो हमारा काम है, हमने 24 घंटे 365 दिन पार्टी का काम हमारा शुरू रखते हैं हम लोग, ये सारे कार्यकर्ता शुरू रखते हैं, और हम लोग वो जो पार्टी का काम करते हैं, तो जब मन से इतना काम करेंगे तो आवाज़ भी बुलंद होगी, भाषा भी अच्छी रहेगी सही अमित, और काम भी उस हिसाब से आपको दिखेगा जैसे आपको दिख के आप सवाल पूछ रहे उत्साहित हो इस प्रकार से। सर, एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में प्रदेश की जो कार्यकारिणी घोषित की उसके बाद में अरुण सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था कि जो संगठन में लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसको रानीवाड़ा क्षेत्र के कई लोग उसको जोड़ के देख रहे हैं, भाई कांग्रेस में भी रतन देवासी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, तो उसके बाद में अब शायद रानीवाड़ा बड़े नेताओं का कल वापस बयान मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है जो संगठन में होंगे वो भी चुनाव लड़ेंगे उनके नेताओं ने, ठीक है, ये सोच कोई भी पार्टी का कोई नेता कुछ नहीं दे रहा है, हमारे तो मीटिंग में सब बात की एक बात, दूसरी बात ये सोच उन लोगों की है जो पद मिलने पे ताली बजाते हैं मगर वापस लिस्ट आती है और पद नहीं होता है, तो ये वो लोग पहले लिखना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं फेस सेविंग, ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को अलग अलग दायित्व मिलता है, मैं प्रदेश कांग्रेस का सचिव था, आज उपाध्यक्ष हूं,
पहले जिला कांग्रेस में भी रहा, कभी कभार होता है तो हम कार्यकारिणी में भी नहीं होते, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी के पास काम नहीं है, उसके पास और कोई काम पार्टी ने भी सोचा होगा, उसका काम कर रहा है। तो उसके लिए जो हमारे ये बीजेपी के लोग हैं यहाँ के, मायूस होने की उनको जरूरत नहीं है, और मायूस होकर फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने आप का बचाव करने के लिए, ये ऐसा नहीं होता है। दोनों पार्टियां कह रही है कि जो मजबूत होगा, जिसका सर्वे अच्छा होगा और जो जीतने योग्य रिपोर्ट आएगी उनको हम टिकट देंगे, दोनों पार्टियों ने ये बात कही है। तो वो अलग बात है टिकटों की, वो अलग बात होती रहेगी, हमारा काम है कैसे पार्टी को मजबूत करें, लोगों का जुड़ाव रहे और आम व्यक्ति के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे, वो काम है, वो चलता जाएगा। आप हमेशा दो तीन जातियों का नाम ले रहे हो संबोधन के दौरान कि इनको कुछ हक नहीं मिला, क्या हक था वो जो नहीं मिला? नाम नहीं लिया मैंने जातियों का, जो मैं देख रहा था या जो मुझे अनुभव हुआ उसको मैंने साझा किया है और वो इतिहास में दर्ज है। अगर मेरे साथ में विभिन्न जातियों के लोग रहेंगे और काम करेंगे तो सब लोग सोचेंगे कि मैं डेलीगेट बनूं, मैं जिला परिषद का मेंबर बनूं, मैं उप प्रधान, प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख बनूं, मैं पार्टी में पदाधिकारी बनूं, और मेरा भी ये भाव रहेगा कि ये जो लोग मेरे साथ में विभिन्न जातियों के काम कर रहे हैं तो दो तीन जगह है उनमें से कहा किसको प्रधान बना सकते हैं, उप प्रधान बना सकते हैं, प्रमुख उप प्रमुख बना सकते हैं, इसको पार्टी का मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बना सकते हैं, इसको ये मैं भी सोचूंगा कि मेरे साथ रहें तो मुझे भी इनकी इज्जत रखनी है, केवल इनका उपयोग नहीं करना है। और ये आप देख लो, तुलना कर लो 2003 से लेके आज तक 20 साल में, तुलना कर लो कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे विभिन्न जाति बिरादरी के, हमने हर जगह हर व्यक्ति का समावेश किया है, हमने जिन लोगों को साथ लाया उनको सादर, उनको इज्जत और लोगों की भावनाओं के अनुसार हमने काम किया, कभी हमने उनको किनारे नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देख लो, मैं कह रहा हूं अब वो कह देंगे कि भड़का वाली बात है तो ठीक करो, तो भड़का वाली बात नहीं आओ, उतने मैं तो नहीं भड़का होता, मैं तो थोड़ा ठीक रखना। तो जो इनके साथ रहे मुझे बता दो कितनों को प्रधान बनाया है, कितनों को उप प्रधान बनाया, कितनों को प्रमुख बनाया, उप प्रमुख बनाया, कितने लोगों को मन से यहाँ आगे आने दिया, नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उसका विश्लेषण जो जिस रूप में करना चाहे करो, मगर मूल जो व्यक्ति बैठा है उसने विश्लेषण कर दिया है और वो सब जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये सारे खड़े ये भी जानते हैं। 2023 को लेकर रतन देवाशी की क्या रणनीति विधानसभा चुनाव रानी बड़ा को चुनाव लड़े? हमने काम किया है, पास घर नहीं बैठे, एक दिन कोई चुनाव आया हो, पार्टी का काम है, लोगों का काम है, लोगों के बीच रहना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो हर व्यक्ति करेंगे। और जैसा हमारे ये कार्यकर्ता जो बरसों से साथ जुड़े हुए रहे, ये जो कहेंगे वो मैं करूँगा, इसलिए उसमें के पूर्व विधायक है, हाल ही में उन्होंने तो उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कहेंगे ऐसा काम मेरी ओर से किया जाएगा। सहयोगी टीकम पाल के साथ रविंद्र सिंह भट्ट, रानी बड़ा जालौर।